in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up. कैसे हो आप सब लोग? आज मैं एक प्रोडक्ट का रिव्यू देने जा रहा हूँ आप लोगों को, जो मैंने रिसेंटली लिया है, तो मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ. ठीक है गाइस, तो आप लोग भी हेल्प हो जाएगा आप लोगों के लिए भी. ठीक है, तो मैं रिव्यू दे रहा हूँ आपको एक हेलमेट. आप लोगों ने देख लिया होगा ये वाला हेलमेट, एक नाइट का हेलमेट जो मैंने रिसेंटली लिया था. मैंने ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ, फिर भी एक बार मैं वो कर रहा, मैंने कर चुका हूँ एक नाइट. मीन्स काफ़ी अच्छा प्राइस रेंज में मिल रहा था. मुझे ट्रैवल के लिए, टूरिंग के लिए चाहिए था हेलमेट. तो MRP है गाइस इसका 4749, देख सकते हैं गाइस 4749 इसका MRP है. मैं आपको बताऊंगा कि ऑफर में क्या प्राइस मिला था मुझे. सो इसके अंदर आपको इग्नाइट का एक हेलमेट कैरी बैग जैसा भी मिलेगा, जो कपड़ा का होता है, तो हेलमेट सेफ्टी के लिए. या सो दिस इज द वन गाइस जो मैंने रिसेंटली लिया था. मैंने पहले स्टूडियो का यूज़ करा था, वो काफ़ी फ्रंट में ज़्यादा निकला हुआ था वो हेलमेट. तो जब आप कैमरा माउंट करते हो ना, तो दैट टाइम क्या हो रहा था, वो हेलमेट एकदम ऐसे सेक हो रहा था, ऐसे चिन बाहर था और उसके ऊपर कैमरा यार इतना आ जाएगा, ज़्यादा हेलमेट को नीचे खींच रहा था. तो मुझे ये अपग्रेड करना पड़ा. यहाँ पे BMW का GS का इंजन बना हुआ है. तो यहाँ पे फ्रंट टायर, फ्रंट डिस, यहाँ पे लाइट, यू कैन सी टैंक बना हुआ है यहाँ पे. सो इंस्पायर टू BMW बाय. पीछे साइलेंसर देख सकते हैं आप लोग. सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा हेलमेट. यू कैन सी एयर विंड्स के लिए यहाँ पे जगह है एक, ये आप ओपन डोर क्लोज कर सकते हैं, और पीछे आपको मिल जाएगा यहाँ पे, और इसका यहाँ पे मिल जाएगा आपको एक, ये ओपन और ये क्लोज. मैंने ऑलरेडी ये कैमरा माउंट का वो लगा दिया हूँ. अब हम सांसें लेते हैं तो बाकी हेलमेट में वो वाइट कलर बैठ जाता है ना, स्टीम का वो दे जाता है ना, उसका प्रोटेक्शन भी मिलता है इसमें. एंटी फॉग प्रोटेक्शन बोलते हैं ना उसको, करेक्ट, यस, एंटी फॉग प्रोटेक्शन. सो यहाँ पे ब्रांडिंग का नाम लिखा हुआ है, इग्नाइट रेडी टू रेस. तो ये आता है गाइस आपका ISO प्लस डर्ट, दोनों सर्टिफाइड मिलता है. तो अच्छा है इसका वो वेट, आप लोग देख सकते हैं ऑलमोस्ट 1500 ग्राम, उतना हैवी नहीं है, ठीक ठाक लगता है, एकदम बराबर से लगता है. प्लस यहाँ पे आपको वाइजर लॉक भी मिलता है, आपको ये हो गया ये, सो नीचे ये, और ये वाइजर लॉक इसने आपको ले, ये हो गया आपका वाइजर लॉक. अब ये आप कितना भी स्पीड में जाओ, आई डोंट थिंक सो ये निकलने वाला है, बिकॉज लॉक हो गया. अब इसको नीचे रिलीज कर दो, देन इसमें आपको मिल जाता है फिर सनग्लास ना अंदर से, देखो. और काफ़ी बड़ा है भाई, मैंने पहली बार देखा हूँ किसी हेलमेट में इतना बड़ा अंदर से सनग्लास दिया हुआ है. बिकॉज दूसरा हेलमेट में क्या होता है, बस इतना ही होता है. इवन मेरा स्टूडियो में भी, स्टूडियो के हेलमेट में भी था, मुझे कंफर्टेबल नहीं होता था बिकॉज इतना ही था. यहाँ से क्या होता था, वो धूप का रोशनी निकलता था, तो आधा आइस में ऑलरेडी वो सन का रोशनी चला जाता था, तो कंफर्टेबल नहीं होता था, ऐसा सरदर्द जैसा फील होता था कि आधा उजाला आधा वो मीन्स काला काला, ऐसा देख के कंफर्टेबल नहीं होता था, तो हेडेक जैसा फील होता था मुझे, तो मैं यूज़ ही नहीं करता था.
देखो गाइस, गैप नहीं है ना, आप लोग देख सकते हैं, ये गैप नहीं है, इसका फुल कवर है। सो ये एक चीज़ बहुत बेटर लगा मुझे इसमें, कम्स विथ रिफ्लेक्टिव, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टिव मिल जाएगा, यहाँ पे कुशनिंग अच्छा है। यू कैन से लाइक एकदम परफेक्ट एक्सीलेंट है, बट बेटर है प्राइस रेंज के हिसाब से। ये आ जाता है आपका ये वाला लॉक के साथ, दिस टाइप, नॉट क्लिप साइड नहीं है, ये टाइप का है, और वही है, कुशनिंग भी अच्छा है इसका, सब कुछ ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। मैं पहन के दिखा देता हूँ इसका क्या है, स्टैंडर्ड है। और एक चीज, इवन यहाँ पे भी आपको विंड के लिए ऑप्शन है इसका, ठीक है, क्योंकि आप जब मोटो ब्लॉगिंग करते हो ना, तो हेलमेट भी एक परफेक्ट मींस परफेक्ट एक हेलमेट होना चाहिए, कि अंदर पे विंड ब्लास्ट कम हो, जो माइक में ज़्यादा विंड ब्लास्ट ना लगे, ये सब चीज़ देख के मैंने ये लिया हूँ। बिकॉज दूसरा में भी मैंने किया है, 2 years किया स्टूडियो में भी, हाँ यू विल गेट थोड़ा विंड ब्लास्ट आता है, क्योंकि वो लोग का इवन दिस इज ऑल्सो गैप बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे ना, ये चिन लॉक भी छोटा होता है और गैप ज़्यादा होता है, विंड यहाँ से एकदम ब्लास्ट करता है, तो थोड़ा विंड ब्लास्ट आ जाता है उसमें। और एक चीज़ कन्फ्यूज हो गाइस, आप यूट्यूब में देखो, कोई बोलता है हेलमेट आगे से पहनना चाहिए, कोई बोलता है हेलमेट पीछे से पहनना चाहिए, आई डोंट नो कहाँ से पहनना चाहिए, इट्स टोटली कन्फ्यूजन में। कोई बोलता है ऐसे पहनो, कोई बोलता है ऐसे पहनो, पर मेरे हिसाब से ऐसे ईजी लगा मुझे, ठीक है, सी इट्स परफेक्ट। थोड़ा हल्का सा लूज है, बट जब आप वो मीन्स हम अंदर से एक लगाते हैं ना मार्क्स, जो उससे वो लगाने पर परफेक्ट हो जाता है, काफ़ी टाइट भी नहीं है, हैवी लूज भी नहीं है, ठीक है। सनग्लास का मैं आप लोगों को बोल रहा था ना, मैं दिखा देता हूँ, देखो गाइस इतना कवर होता है, ऑलमोस्ट फुल फेस कवर है माइक, दिस इज द बेस्ट थिंग इसका ना। और ये लॉक तो आप सबको पता ही होगा, थोड़ा ढालने में डिफिकल्टी होता है, ऐसे एक बार लगा दो, जो रेड वाला स्ट्रैप इसको पकड़ो और इसको यहाँ से खींचो, सी इज लाइक अ बेल्ट, जैसे हम नॉर्मल बेल्ट लगाते हैं ना, ऐसा ही है। ओपन करने के टाइम में रिलीज दिस वन, देखो रेड वाला ही है मेन, रेड वाला दिस वन ना, हाँ ठीक है, बस तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लगा इसके साथ, इग्नाइट के हेलमेट के साथ, तो ग्राफिक भी बहुत अच्छा है यार, आई लव इट, मुझे ग्राफिक पसंद आया था इसमें, काफ़ी सारा ग्राफिक मिलता है, और कलर भी, इवन यही ग्राफिक में आपको 6-7 वेराइटीज मिल जाएगा कलर में, और बाकी का ग्राफिक भी बहुत सारा ज़्यादा है। तो ये मुझे पड़ा था गाइस, अभी ये ऑफर चल रहा था ना बिग बिलियन डे का, अमेजोन से बिग फेस्टिवल सेल चल रहा था, उसमें 3500 रुपीस पड़ा था मुझे। सो 3500 रुपीस में इच वॉथ, मेरे हिसाब से वॉथ है, अपना अपना लोगों का अपना अपना एक एक्सपीरियंस रहता है, बट मेरे हिसाब से मुझे तो वॉथ है, क्योंकि मैंने 2300-400 तक का तो मैंने स्टूडियो के हेलमेट यूज़ किया हूँ, बट उससे तो ये काफ़ी कंफर्टेबल है और काफ़ी बेटर है, काफ़ी बेटर लुक्स भी देता है और क्वालिटी भी देता है, प्लस स्टूडियो का आपको सिर्फ ISI सर्टिफाइड वो आता है, मार्क आता है, बट ये ISI प्लस डॉट सर्टिफाइड आता है। तो यही था गाइस आज के लिए, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे वीडियो, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस मैं सर शेयर कर रहा हूँ, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं था, हम छोटे यूट्यूबर तो क्या है स्पॉन्सर, जस्ट मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों को भी हेल्प करे करके मैं शेयर कर रहा हूँ। तो ओके गाइस, आप लोगों को told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I did
थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू फॉर शेयर, सपोर्ट, लाइक। और मेरा 1K ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। कीप सपोर्टिंग गाइस, योर सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है आप लोग।